नमस्कार दोस्तों, टिप्स टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड स्पॉटिंग या स्पॉटिंग कब से होती है और यह स्पॉटिंग कब आपके लिए खतरनाक हो सकती है। इन्हीं सारी बातों की इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टिप्स टू यू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग आपको कब से दिखाई देती है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में कई तरीके के हार्मोनल चेंजिंग होते हैं। इसकी वजह से उनके शारीरिक बदलाव आते हैं और अहम बदलाव यह आते हैं कि उनको मॉर्निंग सिकनेस जैसी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समय आपको मानसिक और शारीरिक और भावनात्मक रूप से परेशान होना पड़ सकता है और कई सारे बदलाव आप में देखे जाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं यह स्पॉटिंग आना कब आपके लिए चिंता का विषय नहीं होता है। तो आपको मैं बता दूं, यह स्पॉटिंग अगर एक दो बूंद हो तो यह आपके लिए नॉर्मल सी बात होती है। इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं यह स्पॉटिंग कब चिंता का विषय बन सकता है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपकी यह स्पॉटिंग ज़्यादा हो, यानी अगर आपको ज़्यादा ब्लड आते हो, तो यह आपके लिए काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है। जैसे ही आपके साथ ऐसा हो, आप तुरंत डॉक्टर के पास जरूर जाएं, यह आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। आपको मैं बता दूं, यह ब्लड स्पॉटिंग कब आती है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, 20-30% गर्भवती महिलाओं की प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यह ब्लड स्पॉटिंग देखी जाती है। लेकिन आमतौर पर यह ब्लड स्पॉटिंग की कलर जो होती है वो डार्क ब्राउन या लाइट पिंक कलर की होती है। यह ब्लड स्पॉटिंग आखिर क्यों आता है, अगर आपके मन में यह सवाल है तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते यह ब्लड स्पॉटिंग आखिर क्यों आता है। तो आपको मैं बता दूँ, जब गर्भवती महिला के गर्भ में अंडा गर्भाशय की दीवार पर अपनी जड़ें जमा लेता है, उसी समय से आपको ब्लड की कुछ बूंदें दिखाई देनी शुरू होती है। और यह ब्लड की कुछ बूंदें दिखाई देना नॉर्मल बात होती है, यह आपके लिए किसी भी प्रकार का चिंता का विषय नहीं होता है। आपको मैं बता दूँ, प्रेगनेंसी के दौरान आपको सबसे बड़ी फायदे यह होती है कि आपको बच्चा के डिलीवरी होने तक आपको पीरियड से परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपको आज के इस वीडियो से जुड़ी कोई सवाल मन में आ रहे हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।